नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडुजेट कार सर्विस इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज मेरे पास ये वरना गाड़ी है। इसमें एक्चुअली थ्रॉटल बॉडी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले पीछे की जो स्टोरी है वो क्लियर कर देते हैं। कस्टमर ऑलरेडी गाड़ी लेके दिखाया था, थ्रॉटल बॉडी का कुछ कोड आ रहा है, मैंने अभी तक प्रॉपरली मतलब स्कैन नहीं किया, मेरे को याद नहीं है। थ्रॉटल बॉडी का प्रॉब्लम है, कस्टमर जैसे लोकल में किसी पे दिखाया तो थ्रॉटल बॉडी का कोड आया, इसीलिए थ्रॉटल बॉडी एक दूसरा लगा के ऑलरेडी चेक हो गया। फिर भी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वैसा सेम टू सेम है। इंजन चेक लैंप ऑन है और गाड़ी एक्सीलेटर देने पे पिकअप नहीं ले रहा है। तो थ्रॉटल बॉडी चेंज करने के बाद कस्टमर के पास बोला गया है कि आपका ECM लगेगा, ECM चेंज करके देखने होगा। अब क्योंकि ECM एक बड़ा आइटम हो जाता है और स्वाइप करके चेक करने का ऑप्शन नहीं रहता है नॉर्मली, तो इसीलिए कस्टमर ने सोचा कि भाई गाड़ी लेके सर्विस सेंटर चले आते हैं और गाड़ी आके मेरे हाथ में आया है। अब आगे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, क्या हुआ है, क्या कोड आ रहा है और उसके अगेंस्ट में कैसे ये हम एटलीस्ट चेक करते। प्रॉब्लम लेके आऊँ, चालू रखो। अभी गाड़ी को मैं पहले बैटरी थोड़ा बैटरी को पकड़ो, तो बैटरी थोड़ा ढीला है। नहीं हुआ, दोनों कनेक्टर पकड़ो। हाँ, अब गाड़ी को पहले मैंने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट कंडीशन में देखिए यहाँ पे इंजन चेक लैंप जो है वो चेक लैंप ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर हम गाड़ी को एक्सीलेटर देते पहले तो देखिए ये जो RPM है लगभग 1200 RPM के आसपास कुछ है। और इस कंडीशन में अगर हम एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते पहले तो यहाँ पे देखिए मैंने फुल एक्सीलेटर पैडल प्रेस किया, अब छोड़ दिया, फिर मैंने एक्सीलेटर पैडल प्रेस किया, यहाँ पे भी देखिए फुल एक्सीलेटर पैडल प्रेस किया हुआ है लेकिन RPM जो है ये 1800 से ऊपर नहीं जा रहा है। यही गाड़ी में मेन प्रॉब्लम है। अब अगर गाड़ी को स्कैनर कहाँ है, स्कैनर लेके आओ। अब जो ये चेक इंजन लैंप जल रहा है, ये क्यों जल रहा है वो पहले दिखाते। अभी हमने ऑलरेडी स्कैनर लगाया और स्कैनर लगा के इसमें इंजन का जो फॉल्ट कोड शो कर रहा है। एक्चुअली रनिंग टाइम में ना स्कैनर थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, सब काम में बिजी रहता है। तो अभी ये देखिए इसमें जो कोड आया, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर सिग्नल 1, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर 1 सिग्नल सर्किट लो इनपुट, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर 2 सिग्नल सर्किट लो इनपुट। इसके अंदर मतलब थ्रॉटल में जो दोनों सेंसर रहता है दोनों का दोनों में ही इसमें प्रॉब्लम शो कर रहा है। अब इसको इरेस, हो गया। अब इस कंडीशन में अगर हम एक्सीलेटर को थोड़ा सा, गाड़ी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी देखिए मेरा एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ है, एक्सीलेटर दबा हुआ है लेकिन सेम जैसा प्रॉब्लम वैसा ही है और ये चेक इंजन लाइट भी ऑन है। फिर अगर रिस्कैन करते हैं गाड़ी को, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वैसा ही रह जाएगा क्योंकि मेरा अभी भी पिकअप नहीं ले रहा है गाड़ी में, तो इसमें सीरियस कुछ इश्यू है। अब एक चीज़ अच्छा है कि कस्टमर ने ऑलरेडी थ्रॉटल पोजीशन जो थ्रॉटल बॉडी है उसको बाहर से एक बार चेंज कर दिया, सेम कोड आ गया, तो इसमें मेरा मेहनत हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप कुछ भी डायग्नोस करें तो एकदम शुरू से अपने आप से करें। अब देखिए मेरे पास स्कैन करने में ये कोड आया है और ये कोड से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक तो इस गाड़ी में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में प्रॉब्लम है और जो कि इस गाड़ी में दो दो सेंसर लगा हुआ है और दोनों का ही सिग्नल सर्किट में प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो या तो हो सकता है कि दोनों सेंसर खराब है या फिर और एक पॉसिबिलिटी क्या है, सेंसर का जो पावर और ग्राउंड लाइन है वो खराब होने से भी दोनों सेंसर अफेक्टेड होगा। तो इसके लिए हमें इसकी जो डायग्राम है वो देखना होगा। अब आगे देख दिखाते हैं। तो अभी ये जो आपको ये थ्रॉटल बॉडी है एक्चुअली, और ये देखने से लग रहा है कि बाहर शायद इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है। अब चेंज हुआ कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमें जो करना है क्योंकि कोड आया है तो ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर बहुत ही भयंकर कनेक्टर है। इसको खोलो तो पहले, क्योंकि ये कई बार लूज कॉन्टैक्ट होने के कारण भी आपका सेम कोड आएगा। हो सकता है कि आप अगर इसको चेंज भी कर दिए, इसमें बहुत ज़्यादा ये लूज कॉन्टैक्ट का इशू रहता है।
ये कनेक्टर को आपको अच्छे से पहले चेक कर लेना है, और जब भी इसका कुछ भी वायरिंग चेक होगा, वोल्टेज या कुछ भी मतलब चेकिंग के लिए, आप यहाँ से कभी भी पिन मत दीजिए, क्योंकि इसका जो कनेक्टर रहता है ये थोड़ा अलग टाइप का रहता है। इसमें आपको वायरिंग देके चेक करना है, वायरिंग देखो। अब इसमें जो नॉर्मली वायरिंग हमको चेक करना है, इसमें एक पावर आता है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अभी ये डायग्राम है, और डायग्राम को अगर जूम करते हैं पर्टिकुलर थ्रॉटल बॉडी को, तो ये देखिए ETC मोटर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये पोजीशन को हमको थोड़ा देखना है। और इसमें जैसे कि नॉर्मली ये सप्लाई वोल्टेज है, एक सप्लाई वोल्टेज आएगा और बाकी सेंसर दोनों सिग्नल, एक ग्राउंड, दोनों सेंसर का अलग अलग सिग्नल है और एक ग्राउंड है। और जो बटरफ्लाई रहता है, जो बटरफ्लाई मूव करता है, उसके लिए ETC प्लस और माइनस का रहता है। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है इसकी सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड। अब जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, इस सेंसर की दोनों सिग्नल लाइन अलग अलग है, लेकिन इस दोनों सेंसर की पावर और ग्राउंड लाइन दोनों कॉमन है। तो अगर पावर और ग्राउंड किसी भी एक में प्रॉब्लम होता है, तो ये सेंसर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, और उसके दौरान इसकी जो दोनों सेंसर की सिग्नल लाइन होगा, दोनों में ही प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी पावर और ग्राउंड, ये दोनों को अच्छे से इंस्पेक्ट करने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये दो नंबर येलो कलर का पिन जो है, उसमें अभी चेक करेंगे कि सप्लाई वोल्टेज मेरा आ रहा कि नहीं। पावर सप्लाई और ग्राउंड अगर प्रॉपर आएगा, तो उस कंडीशन में ये दो नंबर पिन यानी कि येलो कलर, ये जो पिन है, ऐसे पकड़ो दो नंबर, देखो ऊपर, हाँ, तो ये दो नंबर पिन में हमें चेक करना है कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है वो आ रहा कि नहीं। लगभग 5 वोल्ट के करीब आना चाहिए। और इसमें विदाउट पिन, मतलब पिन मत झुकाइए, इसमें इस तरह से वायर से ही इसको चेकिंग कीजिए। अभी दो नंबर पिन में ये लगा के इसमें पावर आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि ये पावर नहीं आ रहा है। अब ये पावर ना आने के पीछे की जो रीज़न है, डायरेक्टली देखिए, अगर डायग्राम से देखेंगे तो ये ECM से मेरा डायरेक्ट पावर आ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, फ्यूज़ नहीं है। हो सकता है ECM खराब या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम। तो अभी ECM की जो 21 से 2 नंबर तक हम रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी एक बार देख लेंगे पहले, क्योंकि पावर नहीं मिला। अभी वायरिंग कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको खोलना है। नेगेटिव टर्मिनल खोलने के बाद हम लोग यहाँ से ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे येलो जो पिन है, एक्चुअली 2 नंबर के साथ ECM की कनेक्टर में 21 में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है पहले। अगर कंटिन्यूटी ठीक आता है तो रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। ओके, 21 नंबर यानी कि और ECM का पिन में भी हम जब कनेक्टर में कुछ भी चेक करेंगे तो इस तरह से वायरिंग काट के ऐसा बना के यूज करना बेस्ट है, नहीं तो क्या होता है कि पिन बड़ा हो जाता है और उसके लिए भी लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम होता है। अब 21 मतलब यहाँ पे कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी है, एकदम एंड में 28 है, तो ये 21 और यहाँ पे भी ये मिल गया 21 में। अभी ये फिट किया, अब सिंपली पहले मल्टीमीटर को चेक कर लो। आई होप कि आपको साउंड मिलेगा बहुत ही हल्का, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो वायर है, ये वायर कहीं पे कट है। अब ये ढूंढने के बाद हम आपको दिखाते हैं अगर कुछ मिलता है तो। वायरिंग हार्नेस को इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने इसके ऊपर की जो बैटरी प्लेट, एयर फिल्टर और ECM लगा हुआ पोजीशन है, सारा सब कुछ खोल दिया, ताकि अच्छे से मैं सिर्फ इसको पहले इंस्पेक्ट कर पाऊँ ऊपर। और देखिए, मैंने ऑलरेडी जैसे ही देखा तो ये ऊपर से मुझे कट एक मिल गया, जो कि देखने से इजीली मतलब आप पता कर सकते हैं, और ऊपर से दिख भी रहा है कि इसके अंदर की जो येलो कलर की वायर है वही वायर में कट मिला है। बट हाँ, इसको कैसे ये कट हुआ है, ये या तो चूहे ने काट दिया, या फिर देखिए सच बोले तो चूहे ने अगर काटेगा तो सिर्फ इतना सा छोटा सा करके नॉर्मली काटता नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि काम करते वक्त किसी और वजह से भी ये कट हो जाता है। जो भी है, लेकिन मुझे ये कट मिल गया। अगर बाहर जब ये गाड़ी कस्टमर ने दिखाया था, कोई इसको अच्छे से देखता तो इजीली ये कट मिल जाता। अब इसको जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल एकदम कंपनी का वायर ही है। अभी कभी भी अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो इसको एकदम फाड़ के अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है कि अंदर और भी कुछ वायर कट हो। तो मैं जैसे इसको खोला तो मुझे सिर्फ एक
सिंपल येलो वाला वायर ही कट मिला है। अभी हमको बस कंफर्म करना है कि ये येलो वाला जो वायर है कटा है, इसके साथ मेरा यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने ये मल्टीमीटर लगाया। आई होप कि आपको साउंड एटलीस्ट सुनाई दिया। तो मेरा ये कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल प्रॉपर दिखा रहा है, और जिससे हम कंफर्म है कि मेरा ये जो येलो वाला कलर का वायर का मतलब वायर है यहाँ का, यही कट हुआ है। सिंपली इस वायर को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कंप्लीट करके एकदम फाइनली आपको दिखाते हैं कि मेरा ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ कि नहीं। क्योंकि देखिए पहले ही ECM BCM ये सब चेंज कर देना या थ्रॉटल बॉडी चेंज कर देना, ये तो मतलब सब लोग करता ही है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आई होप के मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम ऐसे छोटा इजीली सॉल्व हो जाता है कई बार। तो देखते हैं फाइनली ये वायर जोड़ने से क्या होता है। वायरिंग अभी पूरा कम्प्लीटली जोड़ दिए है और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो कंफर्म करते हैं। एक्चुअली ये DTC गाइड में मैंने देखा ये 3.5 वोल्ट के आसपास कुछ रहता है, जो कि मैंने पहले 5 वोल्ट कहा था, बट एक्चुअल में ये 3.5 वोल्ट होगा, ठीक है, 3.31। तो ये 3.5 रहेगा, ये मैं एक बार और फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि ये 5 वोल्ट होगा, बट नहीं, ये इग्निशन ऑन कंडीशन में आपको 3.5 वोल्ट के आसपास कुछ मिलेगा। अब ये बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है। अब सिंपली कनेक्टर लगाएंगे और कनेक्टर लगाने के बाद कनेक्टर लगा दो लगाने के बाद DTC कोड को इरेज करके देखेंगे कि गाड़ी मेरा पिकअप ले रहा है कि नहीं। ये कनेक्टर थोड़ा प्यार से और बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कनेक्टर प्रॉपर फिट नहीं होता है, तो इसके लिए भी आपका दिक्कत होगा गाड़ी में। हुआ टाइट हुआ। तो अभी पहले हम जो कोड आया था वो कोड इरेज कर देते हैं, अभी देखते हैं कि हो रहा कि नहीं, क्योंकि अभी भी वायर तो कट मिला है लेकिन कंफर्म नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब तक गाड़ी स्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक गाड़ी का मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना। अभी तो इंजन चेक लैंप चला गया है, अभी RPM अगर देते हैं तो ओ माई गॉड, आई थिंक मेरा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। और कोड एक बार रीस्कैन करके देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कोड भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको मतलब अगर आप शुरू से एकदम एंड तक देखे होंगे तो मैंने ज्यादा कुछ माथा नहीं लगाया। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये वोल्टेज वो वोल्टेज चेक कर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली कोड आया और इसकी पावर सप्लाई लाइन चेक किया। आपके पास अगर ऐसा आता है तो पहले ही मतलब पार्ट चेंज मत करके देखिए, पहले एटलीस्ट जो वायरिंग है उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। और अभी भी मेरे हाथ में ये वायरिंग है, येलो कलर का जो वायर था उसमें सप्लाई वोल्टेज नहीं आ रहा था, जो कि लगभग 3.5 वोल्टेज के आसपास कुछ रहता है, और ये वायर कट होने की वजह से ही मेरा जो छोटल है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था और इसी का कोड था। बाकी एंड में वायर जोड़ दिया और सिंपली कोड इरेज कर दिया, तो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है और कस्टमर को ना छोटल चेंज करना पड़ा ना ही ECM को चेंज करना पड़ा। बहुत ही छोटा सा काम था, वायरिंग हार्नेस का इशू था, लेकिन इसके लिए अगर मिस डायग्नोस होता तो मतलब बहुत हैवी आइटम चेंज होता। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।